फिल्में सिर्फ तीन चीजों की वजह से चलती हैं, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट एंड एंटरटेनमेंट। क्या कुछ खास है इस नई रेस में, कितना खतरनाक है ये नया खेल, और इस रेस के अंत में किसकी जीत होने वाली है। रेस हमेशा मेरी थी और मेरी ही रहेगी। ये सब हमें बताएंगे इस रेस के दो खिलाड़ी। हम बात कर रहे हैं सैफ अली खान और जॉन इब्राहिम की। ओके, वी आर रैपिंग अप विद जॉन सिंगिंग लत लग गई। Perfect. और मेरे साथ है भावना जी, जो बहुत ही भाविक हुई जा रही हैं। पता नहीं क्यों मुझे देख के लोगों की भावनाएं उमड़ने क्यों लगती हैं। कौन रिवील करेगा मनोज के ब्रांड? आप इस चक्र में फंस गई। अच्छा, मतलब मैं फंस जाऊंगी, ऑडियंस नहीं फंसेगी। मैं फिल्म देखने, आप हमारे साथ बैठिए, देखते हैं कि उस चक्रव्यूह को देखने के बाद वो चक्रव्यूह आपको कितना पसंद आता है और आप उसमें फंसते हैं या उसमें से निकल पाते हैं। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ। क्या बादशाह को बादशाहत बचाने की चिंता है? क्या 20 साल का करियर एक फिल्म से डूबता नजर आ रहा है? प्यार का इजहार करना हो तो सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं लव्स, लेकिन अगर कोई बेजुबा हो तो वो अपने प्यार का इजहार कैसे करता होगा? मेरी भावनाओं को समझो। बिल्कुल समझ रही हूँ प्रियंका, बिल्कुल सही समझ रही हूँ। भावना, ये हमारा पुराना जोक है। बर्फी के टाइम हम लोग इंटरव्यू कर रहे थे, तब हमने इनका नाम बिगाड़ दिया। इन माय सिटी मैंने कीवर्ड ऑलरेडी बोल दिया है। सबसे पहले कंग्रेचुलेशंस। तो अभी तक कहाँ छुपा के रखा था इस सिंगर को? मेरे अंदर ही थी, मैं बाथरूम में बहुत गाती हूँ। मुझे आदत नहीं है ऐसी फीलिंग की। तो मैं बहुत नर्वस हूँ, इसलिए ज़्यादा बोल रही हूँ। तो क्वेश्चन पूछो। जब ये सॉन्ग बना था तो पहला कौन सा इंसान था जिसे ये सॉन्ग सुनाया था और उसका क्या रिएक्शन था? आमिर खान जाने जाते हैं प्रमोशनल गिमिक्स, कैसे ऑडियंस को रखना है अपने पास, कब तक रखना है और कब रिवील करना है। कुछ भी बाहर नहीं जाना चाहिए जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाए। तलाश बहुत जल्दी रिलीज होने वाली है। सस्पेंस है, क्या कुछ उसमें है ये तलाशने के लिए तो आपको थिएटर से जाना ही पड़ेगा। जितना बजट आपने अपनी पहली फिल्म का रखा था उतना बजट आपने अपनी हीरोइन के कपड़ों पर लगाया है। जैसे अक्षय का कोई डायलॉग है ऐसा कुछ आपका भी है इस फिल्म में? ट्रेडमार्क आता माजी सटकती है। हमारे साथ है फुल डोज ऑफ एंटरटेनमेंट विद्या बालन, जो आजकल काफी डर्टी होती जा रही है। हर किसी ने आप पर नाव लगाया है, हर किसी का लगता है डर्टी पिक्चर के लिए यू आर गोइंग टू स्टील द शो इंशाल्लाह। अनुराग का कहना है दिस इज कूल बिहारी। बिहारी कूल, ओ बिहारी कूल। जिस्म से जिस्म दिखाने का ट्रेंड स्टार्ट हुआ आपकी फिल्म, तो अगर इफ दीज आर योर वर्ड्स दैट मींस के आपने ये ट्रेंड बॉलीवुड में स्टार्ट किया। बॉलीवुड में आपके अकॉर्डिंग किसने स्टार्ट किया? संजय दत्त, और उसके बाद सलमान खान, और उसके बाद जॉन इब्राहिम। कितना सच कितना झूठ, कितना रियल कितना फेक, कितनी स्पेशल है स्पेशल 26, ये बताने के लिए हमारे साथ इस फिल्म की स्पेशल स्टारकास्ट मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। अच्छा, यूजुअली कहा जाता है कि लड़कियां बैड ड्राइवर्स होती हैं, तो ये जो घोड़ों वाला स्टंट था ये ज्यादा मुश्किल था या सोनाक्षी को बाइक सिखाना? नहीं, दोनों अपनी जगह बहुत मुश्किल थे, बट नहीं, सोनाक्षी सीख गई जल्दी। हर इंसान की कोई ना कोई चाहत होती है जिसे पूरा करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। Stay away from the job. उस हद के राज पर से पर्दा उठाने के लिए हमारे साथ राष्ट्रीय की टीम मौजूद है। क्या होगा जब ये शंघाई सिंगापुर के ग्रीन कार्पेट पे आ जाएगी? अबे क्या होगा अगर ये इस ग्रीन कार्पेट पर आकर क्या हो जाएगी? सॉरी। अच्छा, मैं आप सबको बता दूं कि रघु राजीव अब सिंगर भी बन गए। अब तो बोलेंगी यार, देख रहे हैं कि रिपोर्टर भी ओमी को मारता है। हमारे साथ मौजूद है ब्यूटीफुल चित्रांगदा, जो इस बार आईफा रॉक्स को होस्ट भी करने वाली है। सबसे पहले आयुष्मान के साथ जुगलबंदी बनाई, अभी तक कितनी प्रैक्टिस की चित्रांगदा ने? अभिषेक कैसा लगा ये टैटू? आप पे तो बहुत जच रहा है। पर क्या आप ये गाने की चार लाइनें गुनगुनाएंगे? और मैं एंटरटेनमेंट है। भावना मुंजाल, इंडिया टीवी, दिल्ली।